हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में। आज मैं बात करने वाला हूं सैमसंग के लेटेस्ट 2024 के एक फर्स्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की, क्या कुछ खास आपको इसमें देखने को मिल जाता है और क्या क्या नए फीचर्स आपको 2024 में इसमें देखने को मिलते हैं, सभी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी आपने देखा इस रेफ्रिजरेटर का फर्स्ट लुक। अब हम बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर के बारे में। सबसे पहले बात करें इसके मॉडल नंबर की, तो इस रेफ्रिजरेटर का मॉडल नंबर है RT34C4522S8/HL, जो कि 2024 का एक लेटेस्ट मॉडल है। और इसके स्टार रेटिंग की अगर बात करते हैं, ये रेफ्रिजरेटर 2 स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिल जाता है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 273 यूनिट पर ईयर होता है। और इसकी कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी है 301 लीटर, यानी कि एक 301 लीटर का बड़ा साइज वाला रेफ्रिजरेटर आपको देखने को मिल रहा है। आगे से फ्रंट डोर पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसका कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक डिजिटल डिस्प्ले है, सारे कंट्रोल आप इसे यहीं से कर सकते हैं। इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो फ्रीजर वाले डोर में आपको एक कूल पैक देखने को मिल जाता है, जो कि लाइट भागने के बाद आपके रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखता है। और नीचे वाले डोर में आपको टफन ग्लास शेल्फ देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है किसी भी नॉर्मल टफन ग्लास शेल्फ के कंपैरिजन में। नीचे वेजिटेबल बॉक्स की अगर बात करते हैं तो वेजिटेबल बॉक्स भी आपको बड़ा दिया गया है। और डोर पॉकेट की बात करते हैं तो फ्रीजर वाले डोर में आपको 2 डोर पॉकेट देखने को मिलती हैं, और रेफ्रिजरेटर वाले पार्ट में आपको 1 डोर पॉकेट ऊपर देखने को मिलती हैं, 2 मिडिल में देखने को मिलती हैं और 1 बॉटल गार्ड आपको नीचे देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसमें आने वाली गैस्केट रिमूवल होती है, इसे आप रिमूव करके वॉश करके फिर से लगा सकते हैं। बार बार आपको इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने 15-20 दिन में एक बार उस गैस्केट को निकाला, धोया और फिर लगा दिया, ये इजी क्लीन हो जाती है। साइड से अगर बात करते हैं, साइड से इस रेफ्रिजरेटर में आपको लेदर कोटिंग दी जाती है, जो कि लॉन्ग टाइम तक इस रेफ्रिजरेटर में रस्टिंग नहीं आने देती है। और बैक साइड में आपको इसमें क्लीन बैक देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से पीछे जाले या धूल मिट्टी का बैठना आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पीछे से आपको क्लीन बैक देखने को मिल जाता है। अगली बात कर लेते हैं इस रेफ्रिजरेटर के मेन हाईलाइट की, जो है इसका 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड। इस रेफ्रिजरेटर में आपको 5 अलग अलग कन्वर्टेबल के मोड देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें यूज़ करके आप अपने रेफ्रिजरेटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने यूसेज के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मोड की अगर बात करते हैं, इस रेफ्रिजरेटर में आपको मिलता है नॉर्मल मोड, जिस मोड में इसका फ्रीजर वाला पार्ट और फ्रिज वाला पार्ट दोनों ही अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, जिसमें फ्रीजर वाला पार्ट माइनस टेम्परेचर पर रहता है और फ्रिज वाला पार्ट प्लस टेम्परेचर पर। नेक्स्ट मोड की अगर बात करते हैं तो इस रेफ्रिजरेटर में हमें मिल जाता है सीजनल मोड। सीजनल मोड का यूज़ करते ही हमारा फ्रीजर वाला पार्ट बंद हो जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट चलता रहता है, जिसकी वजह से कई बार सर्दियों में हमें फ्रीजर वाले पार्ट की नीड नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हम इसे बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आपको निकाल के अच्छी देता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके तीसरे मोड की, जो इसमें आता है एक्स्ट्रा फ्रिज मोड, जिसको यूज़ करने के बाद हम अपने फ्रीजर वाले पार्ट को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फ्रिज मोड पर डालते ही हमारा फ्रीजर फ्रिज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें 100% रेफ स्टोरेज देखने को मिलता है। जब हमारे पास फ्रोजन आइटम नहीं होते हैं या हमें इसमें आइस नहीं जमानी होती है, तो उस कंडीशन में हम इसे एज अ रेफ्रिजरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, इस मोड को यूज़ करके। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अगले मोड की, जो इसमें आता है वैकेशन मोड। वैकेशन मोड में हमारा फ्रीजर वाला पार्ट
चलता रहता है, लेकिन हमारा फ्रिज वाला पार्ट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो जितने भी फ्रोजन आइटम होते हैं उन्हें हम फ्रीजर में डाल जाते हैं और फ्रिज वाले पार्ट को बंद कर जाते हैं। ये हमें एक बेटर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी देता है, और जब हम लौट के आते हैं तो हमारे रेफ्रिजरेटर वाले पार्ट में हमें किसी भी तरीके की फंगस या स्मेल देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक और मोड की, जो है होम अलोन मोड। होम अलोन मोड में जब हम इस रेफ्रिजरेटर को डालते हैं तो हमारा फ्रिज वाला पार्ट फिर से बंद हो जाता है, लेकिन जो फ्रीजर वाला पार्ट है ये फ्रीजर ना रह के एक फ्रिज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें एक मिनी फ्रिज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जब हम घर पे अकेले होते हैं, या होम अलोन मोड का मतलब ही यही है, जब हम घर पे अकेले हों तो हमें एक छोटा फ्रिज मिले यूज़ करने के लिए, क्योंकि हम सिंगल पर्सन घर पर हैं, उस कंडीशन में आप उस मोड को यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट एक मिनी फ्रिज का काम करता है और ये बंद रहता है। यहाँ पर भी आपको एक बेटर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग देखने को मिल जाएगी। अब अगली बात कर लेते हैं इस रेफ्रिजरेटर के एक और फीचर की, जो है इसका ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपने देखा ही होगा, इसके दोनों ही सेक्शन में आपको ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी के लोगो देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस रेफ्रिजरेटर में आपको ऑर्डर मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सैमसंग ने इस रेफ्रिजरेटर में दो अलग अलग एवेपोरेटर का यूज़ किया है, या ये कह लें कि इस रेफ्रिजरेटर में दोनों सेक्शन की अलग अलग कूलिंग कॉइल्स हैं और अलग अलग फैन मोटर है, जिसकी वजह से इन दोनों सेक्शन की कूलिंग अलग रहती है, आपस में मिक्सिंग नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपके फूड की लाइफ बढ़ती है और किसी भी तरीके की ऑर्डर या स्मेल मिक्सिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। ये सैमसंग का बहुत अच्छा फीचर है, जो कि दूसरे रेफ्रिजरेटर ब्रांड में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर के कंप्रेशर की। इस रेफ्रिजरेटर में आपको देखने को मिलता है सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेशर, जिस पर ब्रांड आपको 20 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है, जो कि किसी भी ब्रांड में आने वाले कंप्रेशर के कंपेरिजन में जस्ट डबल होती है। इसीलिए ब्रांड आपको बोलता है कम्प्लीट पीस ऑफ माइंड विद योर कंप्रेशर, क्योंकि इस कंप्रेशर पर आपको 20 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसकी जो MRP है वो है 49,900, और ये मार्केट में आपको 35,000 से लेकर 40,000 की रेंज में अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए रोज़ रोज़ ऐसी नई वीडियो बनाते रहें।